वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपने डेटाबेस को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लोकल होस्ट पे अपने MySQL को ओपन कर लिया है। ठीक है, अब मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ। उस डेटाबेस के अंदर हमको कैसे डेटाबेस इम्पोर्ट करनी है। ठीक है, अगर कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस उसके अंदर आपको कैसे इम्पोर्ट करनी है वही हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं एक ERP नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस डेटाबेस के अंदर मुझे इम्पोर्ट करनी है, तो आपको यहाँ पे इम्पोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गया, आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आपको ये सिटी एक टेबल है, उसको मैंने एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे गो किया, तो देखिए फ्रेंड, आपको इस डेटाबेस में एक सिटी नाम का टेबल इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गया और मुझे इस डेटाबेस में पूरा का पूरा डेटाबेस ही इम्पोर्ट करना है, तो ये मेरा एक डेटाबेस है और मैं ओपन किया, अब मैं गो करूँगा। ठीक है, सॉरी, इस टेबल में ऑलरेडी सिटी नाम का एक टेबल एग्जिस्ट था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये आपको ऑलरेडी एग्जिस्ट का ये एरर दे दिया है। ठीक है, तो आपका इंपोर्ट भी हो गया है, जो जो टेबल इसमें नहीं था वो टेबल इंपोर्ट हो गया है, बाकी जो सिटी नाम का टेबल था वो इंपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका ये इंपोर्ट हो गया है इस डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये मेरा एक दूसरा डेटाबेस है, इसमें ये Shopify नाम का एक मेरे पास दूसरा डेटाबेस है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे एक टेबल को इंपोर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे चूज फाइल करनी है। ठीक है, और ये इसको मैं ओपन किया, गो किया, ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है क्योंकि इस टेबल में भी ऑलरेडी ये टेबल है, इसलिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। मैं कुछ और टेबल को इंपोर्ट करके देखता हूँ। यहाँ पे गया, मेरे पास एक यूजर टेबल है, इसको मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं गो किया, तो देखिए फ्रेंड, सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है और ये यूजर्स नाम का ये आपके पास टेबल भी आ गया है। ठीक है, अब जो इंपोर्ट के टाइम पे आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं कि आप किस तरीका का डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल में करना चाहते हैं या CSV करना चाहते हैं। अगर CSV में करना चाहते हैं तो CSV में भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये इसके अंदर CSV का कुछ इंपोर्ट करना चाहता हूँ, जैसे इस टेबल को मैं अभी डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको ऑपरेशन पे जानी है, और मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, और मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट पे गया और आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि मुझे CSV में इंपोर्ट करनी है, ये CSV पे गया और आपको चूज फाइल करनी है यहाँ से, तो ये मेरा CSV फाइल है और मैं इसको ओपन किया, मैं गो करूंगा। तो देखिए फ्रेंड, आपका वो टेबल फिर से इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए फ्रेंड कि आपको इस डेटाबेस को एक्सपोर्ट करनी है, ये जो डेटाबेस है उसको एक्सपोर्ट करनी है, तो कैसे करेंगे, यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है आपके पास। ठीक है, और आपको सिंपली यहाँ पे गो करेंगे तो ये एक्सपोर्ट हो गया, आपका डेटाबेस एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब इस डेटाबेस को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी दे रहा है, जैसे आपको PHP array में करना है तो यहाँ से PHP array सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और अगर CSV में करना है तो CSV सेलेक्ट करके आपको गो कर देना है, तो CSV में एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक्सेल में करना है तो एक्सेल सेलेक्ट करके आपको गो कर देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस टेबल में से एक केवल ओनली एक टेबल को ही अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो ये टेबल को सेलेक्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट पे जाना है,
आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि एसक्यूएल में चाहिए तो एसक्यूएल में गो कर देना है, अगर आपको सीएसवी में चाहिए केवल तो सीएसवी में एक्सपोर्ट कर देना है यहाँ पे, अगर आपको पीएचपी अरे में चाहिए तो पीएचपी अरे सेलेक्ट करके आप इसको गो कर देना। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो देखिए आपका केवल एक ही टेबल एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, और मैं अगर पीएचपी का बात करूँ तो देखिए पीएचपी में भी एक ही टेबल आपका एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो टेबल है, मान लीजिए इस टेबल का मुझे डेटा को ट्रंकेट करना है। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ ऑपरेशंस में जाने हैं। ठीक है, आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है कि उस टेबल के डेटा को ही आपको ट्रंकेट करना है या उस टेबल को ही डिलीट करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्रंकेट करता हूँ, ठीक है, तो इस टेबल का डेटा जो है आपको खाली हो गया। जैसे मान लीजिए सिटी है, सिटी में बहुत सारा डेटा है, इसको अगर आपको ट्रंकेट करना है तो ऑपरेशन पे जाना है सिंपली, और यहाँ से आपको ट्रंकेट कर देना है। ठीक है, अब अगर आप सिटी सेलेक्ट करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मुझे ये सिटी जो है इस टेबल को डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, या ऑपरेशन पे जाना है आपको, मिल गया, ओके किया, तो देखिए फ्रेंड इस टेबल से सिटी नाम का जो टेबल था वो डिलीट हो गया, मानी इस डेटाबेस से, सॉरी इस डेटाबेस से सिटी नाम का जो टेबल था वो डिलीट हो गया। जैसे मुझे कैटेगरी मास्टर टेबल को डिलीट करना है तो यहाँ पे गया ऑपरेशन पे और आपको ड्रॉप करना है और ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कि वो डेटाबेस को ही डिलीट करना है तो आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा डेटाबेस डिलीट करना चाहते हैं, तो मैं ईआरपी डेटाबेस को डिलीट करना चाहता हूँ, फिर आपको यहाँ ऑपरेशन पे जाना है और सिंपली यहाँ पे ड्रॉप और आपको ओके कर देना है, तो देखिए आपका डेटाबेस ही डिलीट हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।